नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। हिंदवी स्वराज जनहित पत्रकार संघ की तरफ से आरसीएफ पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सर्जरो नेटके का सत्कार किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष ज्ञानोबा राजगुरु, प्रवीण भोसले, विनोद कांबड़े, सुरेश गायकवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे। सहायक पुलिस निरीक्षक नेटके सर आज हमारे साथ है। आज उनकी सेवानिवृत्ति का दिन है और यहाँ पर आज वो जिस तरीके से पुलिस में उन्होंने काम किया है, किस तरीके की उनकी शुरुआत रही है और क्या क्या वो किस मुकाम पर यहाँ पर आज वो पहुँच चुके हैं, हम उनसे बात करते, उनसे जानते क्या कहना चाहते हो। सर सबसे पहले तो नेटवर्क महानगर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की आपकी शुरुआत रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, किस तरीके का योगदान रहा है आपका पुलिस डिपार्टमेंट में, क्या कहना चाहेंगे? मैं 1981 में कांस्टेबल करके भर्ती हुआ था। बाद में बड़ी मेहनत से 2006 में मैं पुलिस उपनिरीक्षक बना और जब से मैं पुलिस खाते में भर्ती हुआ तब से मेरे खाकी वर्दी को इतना संभाला हूँ कि उसको कलंक नहीं लगे, इतना मैं इसका जतन किया हूँ, ऐसा बर्ताव रखा हूँ और बहुत शिस्त को बहुत महत्व दिया हूँ और बड़ी मेहनत से सहायक पुलिस निरीक्षक तक मैं आज पहुँचा हूँ और 31 मई 2017 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और निष्कलंक हो रहा हूँ और मेरी अखी सर्विस में मैं मेरे दिल से मेरी जनता की सेवा किया हूँ। मैं जहाँ जहाँ नौकरी किया हूँ वहाँ ईमान इतबारे नौकरी किया हूँ और मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिला है और मिलता है, यही मेरे काम की पावती है। सर ऐसे कौन से केसेस है जो आपने इतने डिफ़िकल्ट हो गए या उस केस को जो हल नहीं किए गए थे उसको आपने हल किया, ऐसा कोई केसेस हो गए जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ी और उस केस को आपने आसानी से या किस तरीके से आपने उसको हल किया है, कुछ ऐसा केसेस हो गए? मैं 2010 और से 2013 तक मैं नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में था और थाने अमलदार कर्तव्य बजाता था। एक दिन साबले नगर में रेलवे कॉलोनी है, वो रेलवे कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी की औरत लेडीज का हस्बैंड रेलवे में था, वो मर गया था और वही अकेली रहती थी, उसके तीन देवर उसके साथ रहने लगे। अभी वो उसकी आदमी की नौकरी उसको मिलेगी तो ये उसको तीन भाइयों को मंजूर नहीं था। तो एक दिन वो रात को वहाँ आए रुकने के लिए, उनका रिश्ता अच्छा था लेकिन रात को ये तीनों भाई ने अपने भाभी को नींद में गला दबा के मार दिया और वो सुबह हमको मैसेज आया कि फलाने जगह पे एक औरत ने फांसी ले लिया है। वहाँ जाके देखा, सिचुएशन का स्टडी किया और देखा तो इसको मारा गया था, ये मेरे तुरंत ख्याल में आया और उसको तीनों को वहाँ ही दबोच लिया और उसको अगर वो बाहर जाते थे, दरवाजे के बाहर भी जाते थे तो वो वास्ट स्लम एरिया में वो हाथ में नहीं लगते थे। इसके लिए मैं तुरंत दिमाग चलाया और दरवाज़ा बंद करके वो लोगों को ताबे में लिया और वो 302 के केस में वो लोगों को अरेस्ट किया। ऐसी एक मैं क्या वो सर कितनी मुश्किलात आपके सामने रही है पुलिस डिपार्टमेंट में जब आपने शुरुआत की थी, कितना सामना ऐसे ऐसे चीज़ों का करना पड़ता है क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों की सेवा में तत्पर रहती है, सेवा कर देने में और उनको नींद या कोई भी त्यौहार हो उनको त्यौहारों में परिवार के साथ मिलने नहीं मिलता है या उनके साथ खुशियों में शामिल होने नहीं मिलता है। तो ऐसे हालत में आपको उस जो पुलिस में आपने काम किया है वो जो वक्त गलाया है, किस तरीके का वो वक्त रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो पुलिस को तो 24 आवर्स बांधा गया है तो मुझे तो मैं आज तक रिटायर्ड होने आया लेकिन मेरे कभी सगे वाले की शादी, कोई प्रोग्राम, कभी कभी सगे वाले के मैयत को भी जाने नहीं मिला ले और लोगों की सेवा किया। जब पुलिस रोड पे रहते हैं तो पब्लिक आनंद मनाती है, पब्लिक जब आनंद मनाती है तो पुलिस आप अपने कर्तव्य में रोड पे जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए रोड पे कर्तव्य करना पड़ता है और हमने किया है।
सर अभी आप सेवानिवृत्त तो होने वाले हैं, तो इसके आगे का आपका किस तरीके का सफर होगा, क्या फैमिली को किस तरीके से आप मौका सम वक्त बिताओगे, या किस तरीके का आपका आगे का प्लानिंग होगा रिटायरमेंट के बाद, किस तरीके की आप सेवा करने वाले हैं? अभी मेरी तो सर्विस भर मेरे फैमिली को मैं टाइम नहीं दे सका। मेरी औरत अभी भी मेरे ना ये बोल रही है कि हमको कभी आनंद मनाने के लिए बाहर टूर पे कभी लेके नहीं गया। तो मैं अभी रिटायर्ड होने के बाद उनको मैं फुल टाइम दूंगा और उनके लिए मैं टाइम बिताऊंगा। आपने देखा कि जिस तरीके से अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस तत्पर रहती है लोगों को सेवा देने में, और लोगों के लिए रात हो या दिन हो या कोई त्यौहार हो तो उनको अपने परिवार के साथ समय बिताने नहीं मिलता, वक्त बिताने नहीं मिलता, और ऐसे में उनकी खुशियां वैसी की वैसी ही रह जाती है। लेकिन अब नेटके साहब का यही कहना है कि अभी जो बचा हुआ समय है मैं मेरे परिवार के साथ बिताऊँगा और परिवार के साथ ही गुजारूँगा। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं स्टीवन जॉन, नेटवर्क महानगर, मुंबई।